गुना जिले की कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल मालिक व उसके परिजनों द्वारा एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि विगत दिन कैंट क्षेत्र के तकिया मोहल्ला में होटल मालिक ने होटल पर कार्य करने वाले एक व्यक्ति की अपने परिजनों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद समाजजनों व हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त था और लगातार बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी पर से नगर पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया। वहीं आज प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया। जानकारी के लिए बता दें कि इस हत्याकांड के बाद तुरंत कैंट पुलिस द्वारा 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन परिजन बुलडोजर कार्रवाई पर अड़े हुए थे, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई का 24 घंटे का आश्वासन परिजनों को दिया गया था। 24 घंटे बाद आज दोपहर करीब 12 बजे प्रशासन की टीम पहुंची और अवैध अतिक्रमण को टीम द्वारा हटा दिया गया, लेकिन बावजूद इसके मृतक के परिजन व कई संगठन आरोपियों के मकान तोड़ने को लेकर अड़े रहे और स्थानीय हनुमान चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन के द्वारा उन्हें काफी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। आखिरकार पुलिस प्रशासन को एक्शन मोड में आना पड़ा और उन्हें लाठी चार्ज करना पड़ा और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जाकर भीड़ तितर बितर हुई और चक्का जाम खुला। कांग्रेस बोल रही है कि अगर कोई दूसरा आरोपी होता बुलडोजर चलाने की कार्रवाई और होने वाली है। गुना में इस तरह का विषय आया था, वो अतिक्रमण में है जो हत्या की थी जिन लोगों ने, एहसास अशफाक इश्तखाक ये 5 आरोपी हैं, गिरफ्तार हो गए 5 आरोपी और अतिक्रमण होगा तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। जहाँ पर घटना हुई है वो जगह अतिक्रमण की थी, इसलिए नगर पालिका द्वारा उनको कल नोटिस जारी किया गया था और वो होटल और जो अतिक्रमण वाली जगह थी उसको हटा दिया। अच्छा, और जो आपने कल नोटिस चस्पा किया था उसमें ये भी बताया था कि इनके मकान की परमिशन नहीं है, नोटिस में ये लिखा था। ठीक है, लेकिन निजी भूमि में अगर बना हुआ है तो उसे हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना, उसके उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है और अगर पूरी छानबीन करनी पड़ेगी, सब कुछ है, लेकिन अतिक्रमण को तो हम कभी भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से 24 घंटे देकर और नोटिस देके हटा दिया, निजी भूमि से हम निर्माण को नहीं हटा सकते। सर, मृतक के परिजनों का कहना है कि अगर वो वैध है, अवैध नहीं है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स बताएं, प्रूफ दिखाएं। तो ठीक है ना, बिना डॉक्यूमेंट के तो हम भी नहीं कुछ कर सकते ना, उसको आपने तलब किए कि डॉक्यूमेंट मंगाए क्या उनके? आप वो मंगाएंगे, अभी तो देख रहे हैं आप घटनाक्रम, देख रहे हैं, समय मिलना चाहिए उसके लिए। अब आगे हम उनसे पूछेंगे कि आपकी जो मकान बना है उस पर आपका जो भूमि स्वामी संबंधी रिकॉर्ड है वो उपलब्ध कराएं। जो हमसे वादा किया था उनका मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है, अभी जेसीबी चलाई तो गई है, होटल भी चलाई गई है, पूरा मामला क्या है? आईडी लीजिए, करो आईडी लीजिए। अपराधी लोग बाहर से आकर सरकारी जगहों पे काबिज होते हैं, उन्हें ये प्रशासन बढ़ावा देता है और फिर वो हत्याएं करते हैं। इन मुसलमानों के द्वारा कई हत्याएं जिले में हो गई हैं, इसको उदाहरण सबको बताया। अभी वर्तमान में रसीद कॉलोनी में एक हत्या हुई, इससे पहले 3 पुलिस वालों को शहरों गारों में मारा गया और आज हमारे व्यक्ति को मार दिया गया। क्या मांगे आपकी, क्या मांगे चाह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ये स्पष्ट आदेश है, जो भी व्यक्ति बलात्कार हत्या जैसे गंभीर अपराध करेगा उन अपराधियों के मकानों को ध्वस्त किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन का पूरा धन्यवाद दे रहा हूँ, उन्होंने अपराध पंजीबद्ध किया, अपराधियों को पकड़ा, लेकिन हमारे साथ धोखा किया है तहसीलदार ने, एमडीएम ने, सीएमओ ने। इस प्रशासन के खिलाफ हम जब तक खड़े रहेंगे तब तक मकान नहीं टूटे। संतोष नजर नहीं आ रहा है, आप क्या कार्रवाई नहीं की है? बिल्कुल करना पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हम यहीं पर खड़े रहेंगे। अगर मकान वैध हुआ, कब्जे की जमीन पर नहीं हुआ तो कैसे होगा? मकान वैध है तो मुझे उसके कागज दिखा दें, ये लाके बिल्कुल परमिशन नहीं, आपने बिना परमिशन के मकान, आपने कहा उनको सरकारी जगह पे मकान, आपने प्रशासन को ये बात बताई क्या? प्रूफ चाहिए, अभी तक हमारे सामने नहीं आ रहे, आए तो बात करें हमसे। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना ये है कि वो तो उनकी निजी संपत्ति में है। अभी आपकी परिवारी यदि अपराधी होगा और निजी संपत्ति भी होगी तो भी सब पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या बात हुई उनसे अभी जो बात? और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रशासन के निरंकुश होने से ये मुस्लिमों को बढ़ा रहे हैं, इससे आने वाले समय में सरकार को बहुत आगे आप मुख्यमंत्री जी इसकी चिंता करें, हमारे समाज के लोगों की चिंता करें। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे आपकी मांग मानने नहीं होती तो आगे क्या? आगे हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक उनका मकान नहीं तोड़ा जाए। ठीक है।